सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति में इस समय सियासी हलचलें लगातार चल रही हैं। कभी यहां पर अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट की बात होती है, तो कभी राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर दिए गए बयानों पर बात होती है, कभी महंगाई पर बात होती है, तो कभी केवल चर्चाएं होती हैं जो कि जनता के मुद्दों से बहुत दूर होती हैं। खैर, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न विचार और धर्मों के साथ हमेशा अग्रणी रहा है। पर जिस तरह से यहाँ पर धार्मिक जो मान्यता है उसको लेकर लगातार बयानबाजी चलती रहती है, अगर कोई वर्ग के लिए कुछ किया जाता है तो यहाँ पर जो बातें हैं वो भी होना शुरू हो जाती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि देश में सभी को यहाँ लाभ नहीं मिलता। बीजेपी सरकार केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, और बीजेपी का जो नारा है सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास, तो कहीं ना कहीं इस नारे के अनुरूप बीजेपी यहाँ पर सबको सब चीज़ें मुहैया करा रही है, पर उसके बावजूद भी संतुष्टि का भाव नहीं है। कारण राजनीति, कारण अपना लाभ और कारण स्वार्थ। धर्म के तमाम लोग अलग अलग मान्यताएं प्रचलित करते हैं और यहाँ तक कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको भी नहीं छोड़ते हैं। खैर, यहाँ पर एक और धार्मिक बात सामने आई है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही, एक आदेश दिया। उन्होंने कहा है कि आगामी नवरात्र यानी चैत्र नवरात्रि में जो उत्तर प्रदेश के जो देवी स्थल हैं वहाँ पर रामायण और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए, और इसके लिए बाकायदा संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मिश्राम को आदेश भी दिया गया। मुकेश मिश्राम ने भी उत्तर प्रदेश समस्त जिलाधिकारियों को आदेश दे दिया है, 1,00,000 का वहाँ पर सरकार सहायता भी करेगी इन आयोजनों को कराने के लिए। और कहा गया है खासतौर से 29 और 30 मार्च को यानी अष्टमी नवमी के दिन विशेष तौर पर यहाँ पर पूजा अर्चना होनी चाहिए और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। खैर, उसके बाद जिस तरह से आदेश के बाद हलचलें शुरू हुई हैं, जहाँ एक तरफ सपा का कहना है कि भाई 1,00,000 से क्या होगा, 10 करोड़ देना चाहिए और यहाँ पर सभी धर्मों के त्योहारों को मनाने के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। पर सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब सपा सरकार थी तब रोजा इफ्तार किया जाता था, पर शायद उस समय नवरात्रि का पारायण नहीं किया जाता था। खैर, यहाँ मैं किसी सरकार पर कोई आक्षेप लगाने नहीं बैठा हूँ, सबकी सरकारें नहीं, सबकी अपनी अपनी नीति रही है और सबके अपने विचार रहे हैं, पर अगर कोई काम भी बेहतर होता है तो समर्थन करना चाहिए। धर्म सबके लिए है और धर्म फिलहाल आस्था और श्रद्धा व्यक्ति के लिए होता है, राजनीति के लिए नहीं होता है। अगर कोई बात कही जा रही है तो उसका अर्थ भी समझना चाहिए, और जब सबका मालिक एक की भावना के साथ हम लोग रहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब को मानते हैं, सामाजिक सौहार्द को मानते हैं, फिर इस तरह के बयानों की जरूरत नहीं है। खैर, मुख्यमंत्री का बयान आया, आदेश आया, उसके बाद राजनीति इस कदर बढ़ती जा रही है वो देखने लायक है। फिलहाल कुछ बयान से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कोई भी अगर धार्मिक अनुष्ठान उत्तर प्रदेश में, भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, भगवान श्री राम की लीला स्थली भी है, अगर श्री रामचरित मानस से जुड़ा हुआ कोई भी अनुष्ठान होता है तो वह अपने आप में स्वागत योग्य कदम होना चाहिए। और जगत जननी जगदम्बे माता विंध्यवासिनी का यह त्रिकुट जो पूरा क्षेत्र है, चाहे वहाँ अष्टभुजा माता हो, चाहे काली खो हो और चाहे माँ विंध्यवासिनी माता का मंदिर, और भी उत्तर प्रदेश में कई शक्तिपीठ हैं और माता जी को जगत जननी माना जाता है, और जगत जननी के नाते अगर उनका स्मरण करके, उनसे प्रार्थना करके राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है तो इसका भी स्वागत होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ना सवाल की ज़रूरत है और ना किसी जवाब की ज़रूरत है। इतना ही कहूँगा, जय श्री राम, जय माता दी। पूरे देश में लोग अपने आप रामचरितमानस का पाठ कराना बंद कर दिया, इसलिए सरकार अपने खर्चे से रामचरितमानस का पाठ कराने के लिए मजबूर हो रही है। और जो रामचरित मानस का पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं वो इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान के दुश्मन हैं। किसी भी पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक सरकार को एक धर्म विशेष को बढ़ावा देना,
संविधान के निर्देशों का उल्लंघन है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, एक ही धर्म को बढ़ावा क्यों? उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हिंदू भारतीय नववर्षारंभ अर्थात नवरात्रि के पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश के समस्त मंदिरों में अखंड रामायण पाठ तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ, बालिकाओं एवं महिलाओं को प्राथमिकता दिए जाने संबंधी निर्णय लेकर के जिलेवार एक एक लाख रुपए की जो व्यवस्था की गई है उसका अखिल भारतीय संत समिति हृदय तल से हार्दिक स्वागत करती है। हमारा सदैव से मानना रहा है कि धर्माधारित राज्य व्यवस्था कुशल संचालन देने में सक्षम रहती है और स्त्री का सम्मान, बालिकाओं का सम्मान तथा हिंदू नववर्ष के लिए इससे बड़ा गिफ्ट और भगवान राम के जन्म उत्सव रामनवमी पर इससे बड़ा गिफ्ट और कुछ नहीं हो सकता है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट आभार धन्यवाद, जिनके नेतृत्व में जिन्होंने कहा कि हाँ नवरात्रि के शुभ अवसर पर दुर्गा सरस्वती का पाठ, रामनवमी के शुभ अवसर पर रामचरितमानस का पाठ हर एक जिलों में कराई जाएगी। मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। इससे एक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी आम जनमानस को मिलेगा, जिससे आम जनमानस का कल्याण होगा। इसमें मुझको लगता है कि तमाम, मैं देख रहा हूँ सोशल पर और टीवी चैनलों पर और तमाम राजनीतिक दल के लोग जो शुद्ध रूप से कालनेमी वाला रूप है। मैं पूछ चर्चा वैसे इसलिए क्योंकि अगर कोई बयान आता है, आदेश आता है, तो फिर विपक्ष का उस पर विरोध करना लाजमी हो जाता है। खैर, लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है, पर कम से कम कुछ अगर आदेश बेहतर आ रहे हैं या कुछ अपने भाइयों के लिए आ रहे हैं या धर्म के लिए आ रहे हैं तो उस पर मेरे ख्याल से खींचतान नहीं होनी चाहिए। पर क्या करें, भारतीय राजनीति इस समय धार्मिक मुद्दों पर ही टिकी हुई है और जनता के मुद्दे भूल फिराल धर्म के मुद्दों पर ही राजनीति हो रही है। चर्चा महत्वपूर्ण है। मेहमान नवाज से जुड़कर रूबरू करा रहे हैं, प्रवक्ता भाजपा से अरुण प्रकाश जी अपना पक्ष रखें, नेता सपा से मोहम्मद अखलाक भाई अपना पक्ष रखें, विकास मिश्रा सनातन महासभा से अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता आपसे सैयद मोहम्मद तकी अपना पक्ष रखेंगे और राजनीति विशेषज्ञ के रूप में दिलीप हर्षवर्धन भाई अपनी बात रखेंगे। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा अरुण प्रकाश जी से। अरुण जी, किस तरह देखते हैं सरकार का आदेश है और आदेश इस तरह के तमाम आए हैं, अगर सरकार कुछ बेहतर कर रही है या कोई अनुष्ठान करा रही है, कोई आयोजन कर रही है, इससे पहले तमाम तरह के आयोजन पहले भी होते थे पूर्ववर्ती सरकारों में, उस समय तब कोई बात नहीं होती थी, पर अगर कोई आयोजन हो रहा है तो फिर कटाक्ष क्यों, दर्द क्यों, कैसे देखते हैं आप? देखिए गौरव जी, जैसा अभी आपने स्वयं कहा जी कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी जी जी, इनका पिछले कार्यकाल से ही जब आप देख रहे हैं जी, सदैव प्रयास रहा है 2014 से लेकर के जी और आज तक, और मैं कह सकता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी इसी श्रेणी में आप लें जी, हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास के साथ हम काम करना चाहते हैं। लेकिन पिछले 70 वर्षों की ही बात मैं न करूं जी, अगर मुगलकालीन समय से बात करूं जी, कि जिस तरीके से भारत के बहुसंख्यक वर्ग पे एक हमला हुआ, अच्छा, उसके सामाजिक ताने बाने पर हमला हुआ जी, उसके सामाजिक संरचना पे हमला हुआ, हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ, किस तरीके से औरंगजेब के समय, आपको याद होगा कि औरंगजेब इतने मन, जब वो जनेऊ तौलवा लेता था तब वो कहता है अपना नाश्ता करता था, तो इस तरीके के जो वातावरण पैदा हुआ उससे हमारा बहुसंख्यक समाज भारत का बहुत ही पीड़ित रहा। और मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ी गलती जी इस देश में हुई, वो कि जब ये देश बटा तभी धर्म के आधार पर बटा, जिसका उस समय भी हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विरोध करता था जी, भारतीय जनसंघ नहीं लेकिन जो कांग्रेस के अंदर लोग थे, हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी इसका बहुत मुखर होकर के विरोध किया था जी, कि देश को धर्म के आधार पर ना बांटा जाए जी। लेकिन मैं कह सकता हूं कि इसमें एक बड़ी गलती कांग्रेस, गलती ही नहीं जानबूझ करके मैं कह सकता हूं कि एक अपराध किया कांग्रेस पार्टी ने, अच्छा, और इस देश को धर्म के आधार पर बांटा, अच्छा, जिससे कि एक हमारी सीमाएं खतरे में पड़ी, जहां की आज आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के माध्यम से आतंकवाद और तमाम ये चीजें आज भारत में फैल रहा है, झेलना पड़ता है जी। और मैं 70 वर्षों से कहूं जी कि जब देश स्वतंत्र हुआ, मान लीजिए आजादी मिल गई, आजादी मिलने के बाद भी
कभी भी हिंदू समाज का या इस देश के बहुसंख्यक वर्ग का कभी भी ख्याल नहीं रखा गया। अच्छा। मुझे याद है कि हेमवती नंदन बहुगुणा जी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने सबसे पहले रोजा इफ्तार का कार्यक्रम शुरू किया। अच्छा। उसके पहले राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री हाउस में, और यहाँ तक कि कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं श्रीमती सोनिया गांधी, उनके घर 10 जनपद आवास में बाकायदे रोजा इफ्तार तो हुआ, लेकिन कभी भी नवरात्र का पारण उन्होंने नहीं कराया। किसी भी ऐसे वहां भी भूखे रहते हैं, व्रत रहते हैं। हम रमजान का विरोध नहीं करते, हम रोजा का विरोध नहीं करते, और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं विरोध करती। और आपको याद होगा कि किस तरीके से शमशान का बाकायदे कह कह करके निर्माण कराए गए, शमशान की बाउंड्री, कब्रिस्तान की बाउंड्री का। जी। वही शमशान थे, बुरे हालत में थे, उनको भी पैसा दे सकती थी समाजवादी पार्टी की सरकार, जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि बहुत ही उपेक्षित रहा हमारा बहुसंख्यक वर्ग। आज उसको एक आशा है कि निश्चित रूप से योगी जी की सरकार है, और हम ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं कि जो ये कोई कह सके कि पहली बार कोई करता है। पिछली सरकारों ने तमाम ऐसे काम किए हैं, हज हाउस बनाने का काम किया, हज यात्रियों को डिबेट देने का काम किया भारत की सरकारों ने, आपको याद होगा। यही नहीं, जगह जगह इस तरीके से रेलवे की जमीनें जो कब्जा हुई, LIC की जमीनें जो कब्जा हुई, उन पे मस्जिदों के निर्माण हुए। अभी आपने देखा कि नैनीताल के अंदर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट वहां इन्वॉल्व हुआ। अच्छा। और हम वो रेलवे की जो जमीन विकास के लिए हम खाली कराना चाहते थे, अभी रुका हुआ है। तो ये जो प्रयास पिछले 70 सालों में समाजवादी पार्टी के माध्यम से, बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से, इन 30 सालों में, अच्छा, कांग्रेस के माध्यम से, ये इस देश के बहुसंख्यक वर्ग के सीने पे मूंग दलने का काम किया गया है। अच्छा, पहले भी सरकार रही आपकी, तब आपने किया ऐसे निर्णय? सरकार नहीं, आपकी भी रही है? नहीं, पहले भी सरकारों में आपको याद होगा कि जो हमने कहा, मतलब बीजेपी सरकार की बात, हाँ जी जी, बीजेपी सरकारों की ही बात कर रहा हूँ कि जो हमने कहा, हाँ, वो हमने किया। हमसे बहुत लोग कहते थे, ऐसी बात नहीं कह रही थी कि रामायण कराइए और नवरात्र पाठ कराइए, ऐसा नहीं होता था पहले। नहीं, अब आप बताएं गौरव जी कि रामनवमी के दिन रामचरित मानस का पाठ नहीं होगा तो कब होगा? नहीं, बहुत नवरात्र के दिन अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं होगा तो कब होगा? मैं तो पुरानी सरकार है, जो आप इस तरह आरोप लगा रहे हैं सपा बसपा कांग्रेस पर, तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि आपकी भी 2 बार सरकार पहले रही है। जी जी, मैं तमाम काम देखिए, काम सतत प्रयास में होते हैं जी, उस प्रयास को आगे बढ़ाया जाता है जी, कहीं शून्यता नहीं हो, जो भी काम है उसको स्वतः धीरे 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 करके आगे बढ़ाया जाता है। चलिए ठीक ठीक है। नेता सपा इखलाक भाई, अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो किसी क्या दर्द है? 10 करोड़ दिए जाए, सबके त्योहार मनाए जाए, सबके त्योहार मनाने के लिए बाकायदा व्यवस्था होती है। आप देखिए कि सारे त्योहार हो रहे हैं, सब बरात भी होती है, होली भी होती है, और यहाँ पर नवरात भी आ रही है, रमजान भी शुरू हो रहा है, और बहुतर पहल के साथ, बहुतर व्यवस्था के साथ यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करते हुए त्योहार मन रहे हैं और बड़ी शांति से मन रहे हैं, जो हमारे देश का स्वाभाविक सौहार्द है, बिल्कुल बनाकर और वही मेहनत से और वही लगाव से सारे त्योहार मनाए जा रहे हैं। फिर जब कोई अगर कोई अनुष्ठान या आयोजन की बात होती है तो उस पर स्वागत होना चाहिए, विरोध क्यों? देखिए गौरव भाई जी, हम लोग तो विरोध कहाँ कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग तो सरकार का साथ दे रहे हैं। आप गीता पाठ कराइए, आप रामायण पाठ कराइए, यही तो हमारे देश की संस्कृति है। चलिए, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहते हैं। अच्छा, मगर आपके मुँह से फिर ये बात नहीं अच्छी लगती ना कि सबका साथ और सबका विकास। अच्छा, इस पर मत आइए आप। अच्छा, अरे मैं तो, हमारे बहुत सीनियर प्रवक्ता भाई बैठे हैं, मैं तो कहता हूँ ठीक है, मुझे आज सरकार के फैसले का स्वागत है, रमजान भी आ रहा है जी, करा दीजिए रोजा अफ्तार। अच्छा, हम भी आएंगे, सब आएंगे, आप भी चलिए। अच्छा, तब तो सबका साथ सबका विकास होगा। अच्छा है, और बात कैसे शुरू हुई, देखिए ये चीजें भारतीय जनता पार्टी देती रहेगी आपको, उत्तर प्रदेश की जनता को और देश को देती रहेगी। गौरव भाई, आपकी सरकार भी थी, मैं ये कह रहा हूँ क्या, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मगर क्या मुसलमान किसी के धर्म से नफरत करने की बात कहता है? कभी नहीं कहता। कोई नहीं कहता है। आप हिंदू हैं, क्या आपका धर्म कभी कहता है? कभी नहीं कहता। तो जो लोग सच्चे मुसलमान और सच्चे हिंदू हमारे भाई हैं, वो कभी आपस में नफरत करने की बात नहीं करते, बिल्कुल हर चीज का सम्मान करते हैं, चाहे रमजान हो, चाहे नवरात्रि हो, या कोई भी ऐसी धार्मिक चीजों, सम्मान करना चाहिए। मगर जो चीजें देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आ रहा है,
ये बात याद रखिए। चुनाव किस मुद्दे पे जीतते हैं, धर्म के बांटने में बात करिए तब जीतेंगे। विकास कार्य कर रहे हैं सर, वो तो आप भी जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता भी जान रही है, चुनाव आ रहा है तो चुनाव में तो बताएंगे कि हिंदू और मुसलमान। देखिए जनता को ही तो बहका रहे हैं। अच्छा बहका रहे हैं, आप सबको साथ रखने की बात करिए। एक बात थी कि दुआ करो हमारा भारत फिर से महान हो जाए, हर हिंदू विवेकानंद और हर मुसलमान कलाम हो जाए, वो संस्था कहाँ है आज? आज तो हम बांटने की बात करते हैं और बात करते हैं धर्म में कौन बांटा, रंग में कौन बांटा। अरे रंग की बात करने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी थे, लाल टोपी ये फलाना टोपी ये। अगर रंग में बांटेंगे तो क्या भगवा कलर तो हमारे सूरज के भी होता है तो क्या मुसलमान को वो रोशनी नहीं देता है? बिल्कुल। हरा कलर पेड़ों का होता है, क्या वो हिंदू भाइयों को हमारे छाँव नहीं देता है? अरे ये बातें नहीं होनी चाहिए। आप प्रदेश और देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे वो बातें होनी चाहिए। हमारा देश संस्कृत देश है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, समाजवादी पार्टी सभी धर्म का सम्मान करती है, आदरणीय अखिलेश यादव साहब हो या शिवपाल सिंह यादव साहब हो, सभी लोग सभी धर्म का सम्मान करते हैं, इसीलिए हम समाजवादी रहते हैं। तो क्या अखिलेश यादव साहब नवरात्रि के व्रत नहीं रहते? आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब नवरात्रि के व्रत नहीं रहते? कभी एक बयान बता दीजिए अगर आदरणीय शिवपाल सिंह साहब या अखिलेश यादव साहब ने विरोध किया हो, बता दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी के इसने कितने नेता, दर्द क्यों है फिर आपको? कोई दर्द नहीं है, मैं तो कहता हूँ सम्मान है, सबका सम्मान करिए, सभी 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 नहीं तो विरोधी तो है ही, दर्द तो नहीं, विरोधी तो ही, पिछड़ों के विरोधी हैं, दलित समाज के विरोधी हैं, विरोधी तो है ही है, विरोधी है, सबका साथ सबका विकास की बात नहीं करेंगे। अच्छा और आपने कहा कि इससे पहले भी सरकार रही, हमारे भाई ने नहीं जवाब दिया, इससे पहले जो सरकार रही अटल जी की विचारधारा की सरकार थी। क्या बात, अटल जी की विचारधारा कभी हमें आपस में बांटने का काम नहीं करती थी, वो देश कैसे आगे चढ़, उनकी एक भी बात मुझे अभी भी याद है कि चुनाव आएंगे जाएंगे सरकार रहेंगी आएंगी और जाएंगी और देश रहना चाहिए, देश का संविधान रहना चाहिए। ऐसे अटल जी थे, ऐसे उनको सब लोग पसंद करते थे, मैं सुनता था, आज भी अगर अटल जी कोई स्पीच आ जाती तो मैं सुनता हूँ। ऐसे नेता हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी में भी हुआ करते थे। अगर अब जो देखिए दौर आया है, अब आप तो देखिए ना, हम तो किस तरीके की बात हो रही है, वही तो जनता को हम बताना चाह रहे हैं कि सबके सम्मान की बात करिए, हम साथ में हैं, मगर इस तरीके से बांटने का राजनीति सब देखता भाई, सबको मुझे सब पता, इसीलिए मैं गौरव भाई आपसे कह रहा हूँ, आपको सब पता है। कभी समाजवादी पार्टी देखिए हमेशा सभी धर्म का सम्मान करती है, सरकार के इस फैसले का स्वागत है, मगर एक तरफा ना हो, रमजान भी आ रहे हैं, हर चीज को देख के सभी धर्म को एक साथ लेके जवाब देंगे बाद में, पहले विकास मिश्रा। विकास मिश्रा भाई, अच्छा यहाँ पे पहले सरकार की द्वारा और यहाँ पर आदेश दिया गया है, आदेश के बाद सियासी सरगर्मी बढ़नी थी, वो बढ़नी शुरू हो गई, आप ही कह रहा है क्योंकि यहाँ पर कई लोगों ने इसका समर्थन किया है और स्वागत किया है। जी भैया जी, बड़ा ही स्वर्णिम समय है जी, बड़ा ही उत्तम निर्णय है जी, सनातन महासभा पूरी तरीके से सरकार के इस निर्णय का समर्थन करती है जी, और ये विश्वास दिलाती है कि हम सभी जी इस पुनीत कार्य में आगे बढ़कर हिस्सा लेंगे जी और सहयोग करेंगे। सनातन महासभा वैसे भी काफ़ी समय से दलित बस्तियों में तमाम जगहों पे जा करके रामचरितमानस का पाठ कर रही है, लोगों को अवगत करा रही है, जो भ्रांति हमारे एक नेता मौर्य जी के द्वारा फैलाई गई। अच्छा, तो उस भ्रांति को दूर करना तो चाह रही है। देखिए क्या भैया, कुछ लोग हठी, आपने बोला है पाठ होना बंद हो गया, योगी जी करा रहे हैं। हाँ, कुछ लोग हठी स्वभाव के होते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, या यूं कहें कि समझ खुद रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन क्या करें, राजनीति जरूरी है। हाँ, राजनीति जरूरी है क्योंकि अच्छा, इनको अब ऐसा लग रहा है कि ये सरकार ऐसी है जो सनातन के लिए कार्य कर रही है, मुस्लिमों के लिए कार्य कर रही है, सभी वर्ग को एक साथ लेके चल रही है, तो किस तरीके से वोट बैंक की राजनीति की जाए। अब देखिए क्या है कि सनातनियों को ही टारगेट नहीं किया, उन्होंने सनातनियों को विभक्त किया। अच्छा, क्या दलित के लिए गलत किया जा रहा है? रामचरितमानस दलित के लिए गलत है, महिलाओं के लिए गलत है, यानी कि पूर्णतया एक वर्ग को तोड़ करके वही तोड़ने की राजनीति की जा रही है कि उनको वोट बैंक की राजनीति करनी हो, उससे उनको वोट मिले, जो उनको प्राप्त होने वाले नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस के ऊपर अगर आप आक्षेप करेंगे तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में तो आप नहीं आ पाएंगे। अच्छा, दूसरी बात रही, अभी हमारे सपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, तो मैं इनको अवगत करा दूं, भैया यूपी का ही रहने वाला हूं और कई सरकारें देखी हैं, अखिलेश यादव जी की भी सरकार देखी, मुलायम सिंह जी की भी सरकार देखी, और इससे पहले बसपा की सरकार भी रही, कांग्रेस की भी रही, मुझे याद नहीं आता कि जब कभी भी ऐसा कुछ हुआ हो कि सनातन के किसी त्योहार को इस तरीके से मनाया गया हो। लेकिन बीजेपी की भी, लेकिन एक सेकंड रुक जाइए, आपको मैंने सुना है, सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा, ये थोड़ा सभ्यता महसूस होती है, अन्यथा असभ्यता लगती है। तो उस समय हमने देखा कि रोजा अवतार होता था, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, बहुत अच्छा था, हमारे भाइयों के लिए होता था और बहुत स्वर्णिम चीज थी, हम लोग भी सहयोग कर देते भाई, तमाम जगह होता था, हम लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, रोजा अवतारी करवाते थे, परंतु
क्या सनातन के लिए उस समय किया गया? तब उस समय इस बात का एहसास किसी व्यक्ति को नहीं हुआ, किसी वर्ग विशेष को बढ़ावा ना दें। अच्छा, आज ये दर्द हो रहा है क्योंकि सनातन के लिए हो रहा है तो वर्ग विशेष बीच में आ रहा है जी। आम जनता को कोई विरोध नहीं है, मैं आपको बता दूं, आम जनता को कोई विरोध नहीं है। मेरे साथी हैं मुस्लिम भी हैं, चूंकि उनको सारा उनको मिलता है मौका, उनको अगर नमाज पढ़ने जाना है तो ऑफिस से उनको छुट्टी भी दे दी जाती है, उस समय उनको बिल्कुल कोई रोका नहीं जाता। इसी तरीके से उन्होंने हमारे इस कार्य के पुनीत कार्य जो होने जा रहा है इसके लिए उन्होंने बड़ा उत्तम तरीके से उसका स्वागत किया। अच्छा, लेकिन ये राजनीति के लोग जो हैं ये इस तरीके के विवादित बयान देते हैं। अच्छा, जैसा कि अभी सपा के प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि यहाँ एकता अखंडता की बात होनी चाहिए, तो मान्यवर हम लोग तो खुद ही उसी बात करते हैं। अच्छा, हम किसी भी तरीके का विरोध नहीं करते, हम तो कभी कहते ही नहीं कि देश में हिंदू मुस्लिम की बात कोई राजनीति वाला करे। क्या बात? हम तो कहते हैं आप भारतीयों के लिए बात करें, आप क्यों आपके शब्दों में भारतीयों की बात क्यों नहीं आती, आपके शब्दों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्यों आ जाता है? आपके लिए सब भारतीय है ना, आप देश के लिए राजनीति कर रहे हैं तो आपके लिए सब भारतीय है। लेकिन जब भी आप बैठेंगे मंच पर तो आपके मुख मंडल से स्वयं ही अवतरित होता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्योंकि आप तक वर्ग देखेंगे नहीं। अच्छा, ये लोग तब तक राजनीति आपकी नहीं होगी। अच्छा, अगर आपने भारतीय देख लिया अच्छा, तो भैया सपा बसपा भाजपा के लिए कुछ रह नहीं जाएगा ना, क्योंकि फिर सब भारत के लिए चलेंगे। अच्छा, तो इस सोच को कहने से पहले अपने अंदर लाए। अच्छा, और उस तरीके से राजनीति करें, लोगों को दिखे, क्योंकि आप आइकॉन है, आपको यूथ देखता है और वो चाहता है कि आप जैसा बने। चलिए, और आप ऐसा प्रस्तुति अगर देंगे तो कॉम्प्लीमेंट मिला है भाई, एक मिनट में जवाब दूंगा। ठीक है, मैं बात से सहमत हूँ विकास भाई से। हाँ, अब मुझे लग रहा है डायरेक्ट किसी को नहीं कहा जाता तो घुमा के कहा जाता है। अच्छा, तो ये इशारा किसी और की तरफ था, मैं सम्मान करता हूँ इनकी बात का। क्या बात? कि किधर कहना चाहते हैं, मैं इसका भी सम्मान करता हूँ। चलो ठीक है, ठीक है, सही है। मोहम्मद तकी, तकी भाई, आप जब अरुण जी बोल रहे थे आप बड़े मुस्कुरा रहे थे उनकी पहले स्टेटमेंट पर, वो मुस्कुराहट का राज बता दीजिए, क्या मुस्कुराहट का राज था? अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो देखिए, हमारा ये खुशी की मुस्कुराहट थी कि कटाक्ष की मुस्कुराहट थी, दोनों में अंतर होता है। गौरव जी, जी भारतीय जनता पार्टी की कोई बात कब्रिस्तान मुसलमान पाकिस्तान शमशान रमजान के बिना शुरू नहीं होती। अच्छा, बात हो रही थी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 trillion इकोनॉमी बनाने की। अच्छा, और सऊदी अरब जहां में मुसलमान बहुत ज्यादा हैं, सऊदी अरब को 20 साल लगे अपने देश इकोनॉमी को $1 trillion इकोनॉमी बनाने में। अच्छा, जहां तेल पर्याप्त आसान उपलब्ध था, जहां उन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया, वहां उन्होंने धर्म की बात नहीं करी जी। वहां इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, सारी सहूलियतें दी और ट्रेवल टूरिस्ट को बहुत डेवलप किया जी। आज सऊदी अरब या अरब के देश सिर्फ तेल के ऊपर अगर आगे बढ़ गए ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत है। उन्होंने अपने देश को धर्म को संतुलित रखा और विकास के बहुत ज्यादा काम किए। अच्छा, बीजेपी जो है वो कैसा दिखाती है, और बहुत से बयान मैंने भी सुन रहे थे कि ऐसा पहली बार हो रहा है। अरे इससे पहली बार, इससे बहुत बार हुआ है, हर काल में, चाहे मुगल काल हो, चाहे कांग्रेस का राज हो, चाहे बीजेपी का राज हो, हर काल में हर तरह से लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया है और एक दूसरे के धर्मों का सम्मान किया है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था तो वाराणसी घाट पे वो रामचरितमानस को सुनाते थे, तो लोगों ने उनसे कहा कि ऐसा है कि आप जो सुना रहे बहुत अच्छी रचना की है, आप फैजाबाद जाइए। अच्छा, वह अवध के नवाब है, उनको आपकी रचना सुनाइए, वो ज्ञान के बड़े पारखी लोग हैं, वो आपका सम्मान करेंगे। अच्छा, तुलसीदास जी रामचरितमानस को लेके अवध के नवाब के पास गए, शुजाउ दौला के पास, उन्होंने उनका रामायण सुना और उसको बहुत सम्मान किया। बताइए, कहा कि बताइए तुलसीदास जी क्या करना चाहते हैं, हम क्या करें आपके लिए? तो उन्होंने कहा ऐसा करिए, सरजू किनारे घाट बना दिए, सीता जी की रसोई बना दिए, हनुमान जी का खड़ा बना दिए। अवध के नवाब शुजाउ दौला ने उस जमाने में उनके कहने अनुसार उन्होंने कहा बनाया, आप कार्बन डेटिंग से पता कर लिए जो सरजू घाटों की एज है और जो वहां खड़ा बना है और जो अयोध्या डेवलप हुआ है वो उसी काल में डेवलप हुआ जब यहाँ पे नवाबों का शासन था। अच्छा, और अलीगंज में देखिए, अलीगंज में नवाबों ने भगवान हनुमान जी का मंदिर बनाया है। बिल्कुल, और जो भंडारा होता है, बड़े मंगल के लगता मेला लगता है, बड़े मंगल लगता है, ये सब अवध के नवाबों ने मुसलमानों ने शुरू किया। अच्छा, तो हमारी तो मिली जुली सुन रही है, हमने हमेशा हर काल में हर धर्म का बहुत ज्यादा सम्मान किया है, और रमजान में भी राम आता है और दिवाली में भी अली आता है। हमारा तो ये देश है। अच्छा, यहाँ पटाखे भी छुटाए जाते हैं, यहाँ लोग ईद भी मनाते हैं, एक दूसरे गले मिलते हैं, क्या जाते हैं, और बहुत से त्यौहार हमारे एक दूसरे से मिलते होते हैं। अरे समर्थन, हम तो कह रहे हैं कि जी मैं समर्थन में हूँ, बीजेपी ने ठीक काम किया है, लेकिन
कोई बात नहीं, देखिए ये अच्छा काम है, पुजारियों को पैसा मिल रहा है, सबको सम्मान मिल रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं कि जब एक का सम्मान हो तो सबका सम्मान हो, सभी जातियों का सम्मान हो, सभी वर्गों का सम्मान हो, सभी धर्मों का सम्मान हो। जो लगातार एक विशेष वर्ग को, एक विशेष जाति को, एक विशेष धर्म को अपमान करके ख्याति बटोरी जाती है, तो अपना वोट बैंक बढ़ाया जाता है। अरे अपमान बता दीजिए, कौन सा अपमान हो रहा है वो भी बता दीजिए, जब बता ही रहे सारा कुछ। अब ऐसे तो केस भरे हुए हैं, आप बताइए क्या उत्तर प्रदेश, आपके माननीय आदित्य योगीनाथ जी के बयान सुन लिए जी, मैं बता रहा हूँ ना, आप आदित्य योगीनाथ जी के बयान सुन लिए, उन्होंने बयान दिए थे कि एक मुस्लिम महिला को जिसकी मृत्यु हो गई है उसको कब्र से खोद के उसके साथ क्या किया जाए, इतना आपत्तिजनक बयान था ये एक व्यक्ति द्वारा जो मंत्री बना बैठा है, उसको इस तरह के बयान देने चाहिए। अच्छा उत्तर प्रदेश में जब इलेक्शन हुआ था कितने मुसलमानों को उन्होंने वोट दिया, क्या वोट प्रतिशत था, कितने लोगों को उन्होंने टिकट दिया एमएलए का, और हमेशा टारगेट पे मुसलमान ही क्यों रहते हैं, तो ये देश भावना को डेवलप करते हैं। और इन्होंने क्यों कहा था कि 20-80% के बीच चुनाव है योगी जी ने, तो ये सारे बयान बार बार टारगेट कर रहे हैं आप, एक ये जाति विशेष को, धर्म विशेष को आप टारगेट कर रहे हैं। और अभी योगी जी ने ओबीसी के, ओबीसी बात करते हैं और दलित की बात करते हैं, सऊदी अरब की बात कर रहे थे, सऊदी अरब की बात की थी, वो बात पूरी कर दीजिए। मैं सऊदी अरब की बात ये कह रहा था, सऊदी अरब और अरब की कंट्रीज जो डेवलप हुई हैं, जो एक बहुत बहुत अच्छी कंट्रीज बन गई हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत बढ़ गई है। आप देखिए, आपने एक कंट्री ने पूरा वर्ल्ड कप कराया फुटबॉल का, जी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ओलंपिक कराने की बात। सऊदी अरब से उत्तर प्रदेश की आबादी में कितना अंतर है? अरे आबादी में अंतर तो अलग है भाई साहब, इसका मतलब हमें ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है। अगर आबादी में बहुत अंतर है तो हमें गंभीर होने की जरूरत है उत्तर प्रदेश की आबादी में, उत्तर प्रदेश की आबादी में और सऊदी अरब की आबादी में बहुत फर्क है। उसका मतलब ये कि हमें और गंभीर होने की आवश्यकता है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, और काम करने की आवश्यकता है। चलिए अगले टर्न पे आता हूँ, अगले टर्न पे दिलीप हर्षवर्धन। दिलीप भाई, यहाँ पर पहल हुई और सरकार का आदेश आया, आदेश के बाद जिस तरह से यहाँ पर राजनीति हो रही है, सरगर्मी बढ़ रही है, किस तरह देखते हैं और इस तरह के आदेश से क्या होने वाला है आने वाले समय, चुनाव कहीं भी है जी? गौरव जी, रामचरितमानस का पाठ हो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो सर्वधर्म की बात है, धर्म कल्याण की बात है, जन कल्याण की बात है। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि ये जो पाठ होने का आदेश किया गया है, इसमें दो बातें हैं जिनका मैं समर्थन बहुत हद तक नहीं करूंगा। एक तो ये कि सरकारी खर्च पे होने जा रहा है, सरकारी खर्च पे 1,00,000 रुपए जो होगा ये पाठ नहीं होना चाहिए। और जो मौसम आ रहा है, जो समय आ रहा है नवरात्रि का, नवरात्रि के समय पर मंदिरों में रामचरितमानस के पाठ स्वतः होते आए हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा है। सरकारी ऐलान पहली बार हुआ है ये अलग बात है, 1,00,000 रुपया दिया जाएगा ये अलग बात है, लेकिन रामचरितमानस का पाठ और दुर्गा सप्तशती का पाठ घर घर में होता है, मंदिर मंदिर में होता है। बिल्कुल। अब इस बात को जो बढ़ावा मिल रहा है, इसमें बहुत हद तक राजनीतिक उद्देश्य भी है। अच्छा। धार्मिक है, धर्म को बढ़ावा मिले, मैं भी हिंदू हूँ, धर्म को मानता हूँ, रामचरितमानस को मानता हूँ, भगवान राम मेरे आराध्य है, लेकिन मैं धर्म को दो नजर से देखता हूँ, धर्म को जानना और धर्म को मानना, दो बातों में फर्क है। धर्म को जानने वाले बहुत सारे, मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, जानने वाले कम लोग। रामचरितमानस का पाठ होगा इस बात के लिए सरकारी खर्च हो रहा है, मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि सरकारी खर्चा है वो जनता का पैसा जी। उसको आप जन कल्याण में लगा दीजिए, मंदिरों में पाठ वैसे ही होगा। आप अगर सरकार करा रही है तो सरकार की पार्टी के इतने कार्यकर्ता हैं कि वो हर मंदिर में बैठ कर खुद ही रामचरितमानस का पाठ कर देंगे जी। और वहां पर जो दान का पैसा आएगा उससे प्रसाद भी बट जाएगा, तो सरकारी खजाने को रामचरितमानस के कराने पे खर्चा करना 1,00,000 रुपए का मतलब हो गया कि कई करोड़ का बजट ये निकल जाएगा जी। और कितने करोड़ का बजट एक्चुअल में रामचरितमानस पे खर्चा होगा इस पे भी क्वेश्चन मार्क लगेगा जरूर। तो मैं रामचरितमानस के होने का से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए, धार्मिक माहौल है। जिले हैं इसको जोड़ लीजिए, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं जी? जैसे आपने कहा कि करोड़ों का खर्चा होगा जी, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं उसको आप जोड़ लें तो पता चल जाएगा कितने का खर्चा सरकार ने निर्धारित किया है जी। चलिए 75,00,000 खर्चा करेगी सरकार जी, 75,00,000 खर्चा करेगी। और किसके ऊपर, कहां से आएगा 75,00,000 रुपया? जनता से तो ले, कहां से आ रहा था अभी तक रोजा अवतार में जी, जनता से ही तो लेंगे। व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता जी, लेकिन जो सरकारें पिछले बार थी जी, जो सरकारें पिछले समय में थी, कर रहा हूं। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी क्या अपने अपने जेब से खर्च करते थे? प्रधानमंत्री जी अपने जेब से खर्च करते थे? मुख्यमंत्री जी अपने जेब से खर्च करते थे क्या जी?
तो वो गलत ये करते पेट में, नहीं ये पेट में पीड़ा क्यों हो रही है? आप कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, आप कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन उस तरीके के हिंदू ना बनिए ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे हिंदू। आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए महोदय, आपसे 70 वर्षों में आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे हिंदू होने का, मैं किस तरह का हिंदू बनूं? उन्होंने गलत किया और आप भी गलत कर रहे हैं। किसी की गलत को गलत करके सही नहीं किया जा सकता है। आप उनको गलत कर रहे हैं तो आप भी तो गलत हो गए। आप अपनी बात को खुद ही सिद्ध कर रहे हैं कि वो गलत कर रहे थे और हम भी गलत कर रहे हैं। आप ये आधार दे रहे हैं कि वो रोजा अवतार कराते तो हम रामायण कराएंगे, ये आधार क्यों ले रहे हैं? एक रोजा अवतार है, नहीं तमाम बातें ऐसी हैं जिसको मैं आप राम नहीं मैं डिबेट में भी नहीं लाना चाहता। ऐसी तमाम बातें हैं जिसको कहते हैं, मतलब आपकी बात पे हमने बात कही जी, जो आपने आप कह रहे थे कि नहीं ये बहुत गलत हो रहा है, पैसा कहां से आएगा? पहली बात तो महोदय मुझे हिंदू होने का सर्टिफिकेट आप नहीं चाहिए, आप अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखिए, ठीक है? आपके सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, सर भी नहीं दे रहा हूँ इतनी भाई, सुन लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, दूसरी बात, कोई नेता किसी को सर्टिफिकेट नहीं देता। सरकारी खर्चे पे 75 लाख रुपया भी खर्चा होगा वो हमारी ही जेब से जाएगा, मिडिल क्लास की जेब से जाएगा और किसी की जेब से नहीं जाएगा। बिल्कुल, किसी राजनेता की जेब से नहीं जाएगा, किसी मंत्री जी की जेब से नहीं जाएगा, वो आम जनता की जेब से जाएगा। और रामचरितमानस का पाठ बिना 75 लाख रुपए खर्चा किए भी हो सकता है। क्या बात, ठीक है ठीक है। अरुण जी आप पूरा जवाब देने के लिए स्वतंत्र हैं, सबकी बात जवाब दीजिए, एक लाख जी का और तकी जी का। देखिए मैं ये कहना चाहता था बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कि ये जो प्रयास है उत्तर प्रदेश शासन का जी, ये 1 लाख रुपए एक प्रोत्साहन स्वरूप है जी। हर जगह गौरव भाई आप जानते हैं, रामलीला समितियां हैं, दुर्गा समितियां हैं, तमाम तरीके की आवाज से नहीं रन कर रहे हैं कि हमारे ही समय से कोई रन कर रही, ये पिछले 60 और 70 वर्षों से रन कर रही थी जी। आप देखते थे पहले जी, अगर दुर्गा पूजा का जुलूस निकलता था तो एक विशेष संप्रदाय के लोग जी पत्थरबाजी करते थे। अच्छा, जब झूठ बोल रहे हैं आप, नहीं झूठ हम नहीं बोल रहे हैं, ये रिपोर्ट है, झूठ बोल रहे हैं, ये रिपोर्ट है, आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, सही बात आने दीजिए, सही बात प्राइम टीवी के अंदर मूर्ति बनाने वाले मुसलमान हैं, सही दुर्गा पूजा का मूर्ति बनाने वाले गणेश की मूर्ति बनाने वाले मुसलमान हैं, मौका मिलूंगा आपको, आपको मौका देंगे पूरी बार बोलने, मूर्ति बनाने वाले मुसलमान हैं, उनके बिना दुर्गा पूजा पूरी हो सकती है, आप गलत बात बताते हैं, सऊदी अरब में यात्रा कराने वाले भारत वाले के अरबियन लोगों की बात वैष्णो देवी यात्रा मुसलमान कितना सहयोग करते, उनके बिना यात्रा नहीं हो सकती, हमेशा हिंदू बाहर खड़ा रहा है, हिंदुस्तान हमेशा स्टैंडर्ड कर रहा है, मुसलमान सबील लगाता है, मुसलमान शर्मन बांटता है, मुसलमानों बड़े दंगल में पूरी आती है, मुसलमान अच्छा बात करते हैं, बड़े बात करते हैं, आप कहते हैं आप समाज को बांटने का काम करते हैं, तब तो किस धर्म का काम है समाज को जोड़ना, आपने उस धर्म का इस्तेमाल किया समाज को बांटने और तोड़ने में, ये गलती आपके अंदर, आप गलत इंसाफ देने लगे, आप गलत इंसाफ को गलत भरने लगे, आते हैं विकास कर गए, आप समाज से गलत भरने लगे, आते हैं अगर अमेरिका पीछे ना खड़ा होता, अमेरिका पीछे ना खड़ा होता, मुसलमान किसी जुलूस में पत्थर नहीं मार सकता, मुसलमान फूल चढ़ाने वाला है, मुसलमान शरीर लेने वाला है, मुसलमान शरीर लेने वाला है, ठीक है। तकी भाई हो गया, सही मोहम्मद तकी हो गया, बात सुन लीजिए, फिर अपनी बात पे तकी भाई आपको पूरा मौका दूंगा, अरुण जी जवाब देंगे, फिर बोलिए अरुण जी, पूरी करिए यही बात कह रहा था जी कि देखिए पिछले कुछ सालों में जैसे शायद समाजवादी पार्टी हो जी, बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, अच्छा मैंने बहुत दुख होता है कि जो लोग राम भक्तों पे गोली चला चुके हों, अच्छा जो लोग राम भक्तों की हत्या के इन्वॉल्व हुए हों, अच्छा जो लोग एक विशेष समुदाय को आज नहीं है संतुष्टि करने के लिए, अच्छा वोट लेने के लिए, ये भी कहा बाद में उन्होंने, हाँ उनको कहता है शर्म भी नहीं आई कि हम माफी मांगे इस देश के हिंदुओं से, बहुसंख्यक समाज से, हाँ कि हमसे गलती हुई थी उस निर्णय में, ये भी कहा कि कहता है हम और बार भी गोली चलाते अगर इतने ज्यादा भी गोली चला सकते थे, अच्छा ये बात स्वयं कहता समाजवादी पार्टी के मरहूम नेता ने कही, अच्छा और कभी भी अखिलेश यादव जी हो, शिवपाल यादव जी हो, रामगोपाल यादव जी हो, कभी भी इस बात का खंडन नहीं किया और देश के सामने माफी नहीं मांगी। अच्छा दूसरी बात,
ये तो धर्म की बात रही, वोटिंग लेने की बात रही, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा, गौरव भाई आप देख रहे हैं इतने तेज से अपराधियों के जो कहता, अभी जब हम अपराधियों के साथ कहते न्याय व्यवस्था के साथ काम कर रहे हैं, जिस तरीके से अतीक अहमद के लोगों ने एक शूट आउट किया कहता है इलाहाबाद और प्रयागराज के अंदर, और जिस तरीके से अखिलेश यादव नेता विपक्ष के पेट में पीड़ा हुई, और ये पीड़ा हुई कि नहीं साहब अरे पूरा ये तो जंगल राज है, अपराधियों का राज है, और उसके बाद आपने देखा कि उनके चचा जो प्रमुख महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, उनके पेट की पीड़ा और बढ़ गई। अच्छा। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद के बेटों को काउंटर हो जाएगा, फला का काउंटर हो जाएगा, एकदम खुले रूप से नंगा नाच करते हुए समाजवादी पार्टी इस समय खड़ी हुई है कि अपराधियों को संरक्षण में और बचाव में। मैं ये जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। चलिए भाई, मुसलमानों का पक्ष लेते तो लेते कि भाई हमें वोट चाहिए, हमें कुर्सी चाहिए। अच्छा, जैसे जल बिन मछली तड़पती रहती है, वैसे पिछले कुछ वर्षों से आदरणीय अखिलेश यादव जी तड़प रहे हैं। तमाम लोगों को कहता है, भानमती का पिटारा जोड़ करके प्रयास किया था राजभर जी के साथ, फलाने के साथ, डकाने के साथ, आखिरकार वो गठबंधन आज कहां है? तो अखिलेश यादव जी के बारे में या समाजवादी पार्टी में या बहुजन, और मैं ये बात कहूं क्या दिखा रहा था भाई? गौरव जी एक मिनट, अखिलेश यादव जी बहुत बड़े हितैषी हैं मुसलमानों के। हाँ। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अच्छा। उन्हीं के कार्यकाल में मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे हुए। अच्छा। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे हुए। ठीक है भाई। हाँ। उन मुसलमानों को अपने गाँवों में नहीं पहुंचा सके। अच्छा। उन मुसलमान भाइयों को अपने गाँवों में अखिलेश यादव की सरकार नहीं पहुंचा सकी। अच्छा। जो फर्जी जुबान से कहता है खाली इस देश में लोगों का संरक्षण करती, और खास करके अगर हमारे कुछ अखलाक भाई ने कहा कि बीजेपी धोखा करती है या ये काम करती, हमने पहले कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। आपने देखा पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में, चाहे मोदी जी का रहा हो या पिछले 6 वर्षों का कार्यकाल योगी जी का रहा हो, जितनी योजनाएं उत्तर प्रदेश शासन या भारत सरकार से चल रही है, उसमें कहीं हमने विभेद नहीं किया है, भेद नहीं किया है। अगर कहता है अन्य योजना चल रही है गांवों से लह शहरों तक, अगर कहता है फ्री राशन बट रहा है कोरोना के सिस्टम से, तो आज भी चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, गौरव जी आप जानते हैं बड़ी ईमानदारी से सबको पात्र हो रहा, आवास की योजना हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सबको आवास योजना के तहत आवास मिल रहा है। इसी तरीके से जो तमाम योजनाएं, ठीक है, सम्मान देख लिया हमने, बहुत फोटो आ रहे हैं तकी भाई, कितनी फोटो दिखाएंगे, मेरे पास बहुत सारी फोटो है, छोड़ दीजिए, फोटो का संग्रह मेरे पास भी, मैं पत्रकार हूँ, ठीक है, और मैं बड़ी बात पूरी करी तकी भाई की बात लेता हूँ। मैं यही कह रहा था कि सम्मान निधि की योजना हो, कृषि सम्मान, हमारे तमाम मुस्लिम भाई किसान हैं, आप पता करिए, देखिए आप अपने अपने ही चैनल के माध्यम से पता कर लीजिए, कोई भेद नहीं है। अच्छा। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उत्तर प्रदेश में हम कहते हैं सबका साथ हम काम करेंगे। और पहले अखिलेश जी कहते थे कि रमजान में बिजली मिलनी चाहिए। हाँ। रमजान में पानी मिलना चाहिए। हाँ। कभी अखिलेश जी ने नहीं कहा होली में बिजली मिलनी चाहिए, होली में पानी मिलना चाहिए, 1 बजे 2 बजे, यह आदेश है, शासना आदेश है, बयान नहीं, शासना आदेश है, सरकारों के शासना आदेश है। मैं बहुत देर से सुन रहा हूं, आप सीनियर है हमारे, मैं सम्मान कर रहा हूं, बहुत देर से सुन रहा हूं। आपने बात करी हमारे नेताजी के बारे में, स्वर्गीय नेताजी के बारे में, तो किस वजह से गोलियां चली वो भी याद होगा आपको, उन्होंने कहा सदन में यह बात कि 1,000 बार गोली चलानी पड़ेगी तो वे चलवाते थे इस देश का संविधान बचाने के लिए। अच्छा। अगर वही काम इस देश का मुसलमान करता, किसी मंदिर गिराने की बात करता, तो स्वर्गीय नेताजी वही काम करने का काम करते। अच्छा। देश के संविधान बचाने के लिए उन्होंने ये काम किया, कोई अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं किया, कोई विरोधी के लिए नहीं किया। अच्छा। अभी तक आप बात करते, मैं सुन रहा था, दिलीप भाई ने इतनी अच्छी बात कही, क्या इससे पहले रामायण का पाठ नहीं होता था जी? क्या इससे पहले रोजा अफ्तार नहीं होता था? नहीं, बंद कर दे, समाजवादी पार्टी के राज्य में। हाँ। जो अब मुझे बोलने मौका दीजिए, मुझे बोलने मौका दीजिए, सुन लीजिए, लगातार होता था, मगर चुनाव है जी, मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा नहीं है, तो जाएंगे कहाँ? अच्छा। हिंदू मुस्लिम बांटने काम करेंगे, और ये 6 साल बाद क्यों जागा आपके अंदर ये प्रेम? अभी विकास भाई की बात सुन रहा था, बड़े उत्तेजित थे कि नहीं हो रहा है, सही हो रहा है, अरे मैं कह रहा हूँ सही हो रहा है, आखिर 6 साल बाद क्यों जागा? 6 साल तक क्या सो रहे थे? अच्छा। बांटते पैसा 6 साल पहले हम समर्थन देते, 1,00,000 या 1,00,000 आप बांटते, आज तो दे नहीं रहे, 6 साल बाद, 6 साल बाद गौरव भाई आज तो ये दे नहीं रहे, हम समर्थन दे रहे हैं, आप सब करने के लिए कह रहे हैं 1 करोड़ दे देना चाहिए, तो गलती भाई के दर्द होने लगता। अखिलेश जी ने क्या गलत किया? अखिलेश जी ने विरोध किया, आपके पास है, आप जो मर्जी आए करिए, सरकार आपकी है। अच्छा।
आप जो मर्जी आए करिए, छह साल से आप क्यों चुप थे? अच्छा। छह साल से क्यों नहीं जागे आप? अच्छा। विकास भाई जवाब देंगे, हमारे प्रवक्ता अरुण भाई जवाब देंगे। अच्छा। छह साल तक बात क्यों? सर्टिफिकेट की बात कर रहे थे। हम कभी चुप नहीं रहे। सर्टिफिकेट की बात, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई सर्टिफिकेट नहीं देता। निर्णय लिया भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई सर्टिफिकेट नहीं देता। मंदिर वही बनाएंगे, आप हिंदू है, हमने जब समय मिला तो हमने मंदिर बनाया। मंदिर कोर्ट के फैसले से बना, जहाँ श्यामा प्रसाद शहीद हुए। मंदिर बनवा रहे हैं, देखिए जहाँ श्यामा प्रसाद शहीद हुए, अरुण भाई ने बयान दिया है, हमारा है, अरुण भाई ने बयान किया, सुन लीजिए मेरी बात, काम किया। मतलब इस देश में ट्रस्ट बना रहा है, मंदिर ट्रस्ट बना रहा है, हम जन भावनाओं के अनुरूप काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं रखी, हम जन भावनाओं के अनुरूप काम करते हैं। आपकी बात ही मैंने देखी, जो भी जन भावना होगी सुन लीजिए। अभी अरुण भाई ने कहा कि मंदिर हमने बनाया, तो माननीय न्यायालय के फैसले, हम मस्जिद ही बना रहे हैं। मंदिर जो है, मंदिर सरकारी पैसे से नहीं बन रहा है, मंदिर राम जन्मभूमि के ट्रस्ट से बन रहा है। लेकिन बाबरी मस्जिद जो फैजाबाद में बन रही है, जो मस्जिद गिराई गई कोर्ट का आदेश है, माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था, न्यायालय के फैसले को, इस न्यायालय के फैसले को, मदनी आते, ओबीसी आते, अखिलेश यादव आते, बढ़ के आते, पैसा इकट्ठा करते, मुसलमानों से चंदा मांग के अपनी मस्जिद बनवाते, तब तो हम मान लेते। हम तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो कलता हिंदुओं के ऊपर भी लागू है। हिंदू तो नहीं, अपने चंदे से बना रहा है, हिंदू अपने चंदे से बना रहा है। बात करिए आप, मंदिर बनाया, माननीय न्यायालय जी के फैसले बना, हम सब समर्थन देते हैं, देश का आज मुसलमान समर्थन देता है। अच्छा। आप मुसलमानों पे शक करते हैं, देश का मुसलमान नहीं, हम कहीं शक नहीं करते। आप बोलने का मौका दीजिए, कहा तो बोलने का मौका, इस देश का मुसलमान पांच बार इस जमीन को चूमता है नमाज पढ़ के, उस पर शक ना करिए। बहुत बात होंगी हिंदू मुस्लिम की, आप काम पे बात करिए, हम आपके साथ हैं। ट्रेन में जब चलते हैं आप नमाज पढ़ते हैं तो वहाँ तो ट्रेन को में तो धार्मिक आस्था, धार्मिक उस पर नहीं कहते हैं आप, जमीन तो हवाई जहाज चलता है, एक नियम हवाई जहाज पे क्यों चलता है, तो उस नियम के तहत हवाई जहाज पे क्यों चलता है। मैंने ये नहीं कहा नमाज कहीं भी पढ़िए, मस्जिद में पढ़िए, अपने घर में पढ़िए। मैंने एक बात कही है मुसलमानों के लेके, आप जब चुनाव आता है तो कासमंडा सम्मेलन करा लेते हैं, उसके बाद हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। 2014 से पहले के इस देश में हिंदू मुसलमान नहीं थे, मगर जो थाली हमारे हिंदू मुसलमान साथ में खाते थे उसको बांटने का काम आपने किया है। हिंदू मुसलमान की थाली को बांटने का काम किया है, रमजान से राम को हटाने का काम किया है और अली को हटाने का आपने काम किया है। किस तरह की बात करते हैं आपको, क्या था? अरे आप बनिए बीजेपी समर्थन, हम आपका सपोर्ट करते हैं, हम आपको देख के सीखते हैं, हम भी आपको देख के सीखे। ऐसा काम करिए, बनिए स्वर्गीय अटल जी, हम आपका साथ देंगे। अरे महज किरदार ही क्यों जी, खुद में एक कहानी बनिए, हिंदू मुसलमान बाद में बनिए, पहले हिंदुस्तानी बनिए। क्या बात, ठीक है। विकास मिश्रा जी भैया, अभी नेता सपा ने हमसे बोला कि भाई इनके प्रश्नों का उत्तर हम दें, जल्दी बोलिए। तो मान्यवर आपको बता दें कि 6 साल बाद ही सही कार्य हुआ। अच्छा, इसका समर्थन कर रहा नहीं, क्या, क्या? एक सेकंड पहले अभी तो मैंने सुना है कि मंदिर में इससे पहले नहीं होता था भी आपसे कहा, रामचरितमानस इससे पहले नहीं होती, इस बात का हमें आप जवाब दे दीजिए। हमको इस बात का जवाब दे दीजिए, डिबेट का तरीका सीखिए, इस बात का जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए, आप हमें जवाब दे दीजिए, आप हमें जवाब दे दीजिए, मैं सुन रहा हूँ, सुनेंगे तब जवाब दे दीजिए, मैं सुन रहा हूँ। जब आप बीच में बोलेंगे तो मारे मैं जितनी अच्छी बात भी कर दूं आपको जवाब कदाचित नहीं मिलेगा। आप एक प्रवक्ता धर्म का पालन करें और दूसरे को बोलने मौका दें। आप बोल रहे थे पहले हो रहा था, मैं सरकार की तरफ से पहल की बात कर रहा हूँ, मैं तो स्वयं हमेशा करता आया हूँ और सभी सनातनी करते हैं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। जिस तरीके से सभी मुसलमान करता है अपने इबादत, उसी तरीके से हर सनातनी अपनी भी पूजा करना चाहिए। मैं सिर्फ सरकारी तौर पर जो हुआ है उसका समर्थन करता हूँ, बिल्कुल निश्चित तौर पे इसलिए होना चाहिए था। अभी आप कह रहे थे कि इससे पहले आपने क्यों नहीं किया और इससे आपको ये कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। मान्यवर देखिए, एक बात बता दें कि इससे पहले रोजा अफ्तारी होते हमने सरकारी तौर पे बहुत देखी है, ठीक है। इससे पहले आपको बता दूं, इससे पहले जब आप मक्का मदीना जब जाते थे तो उसमें सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन क्या अमरनाथ यात्रा पर कभी हिंदुओं को दी गई थी? तब आप लोगों के पेट में दर्द नहीं हुआ। आज सनातन के लिए हो रहा, तो आप बता दूं, 6 साल के ना, एक साल सुनिए, फिर आप पहले सुनिए, पहले सुनना सीखिए मान्यवर, फिर बोलिए, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं समर्थन देता हूँ, मैं समर्थन देता हूँ, मैं समर्थन देता हूँ, मैं आम आदमी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए तुरंत शांत हो जाइए और पहले मेरी बात इस तरीके की एरोगेंस की बात मत करिए। उसके बाद सम्मान करता हूँ, आप बोलने नहीं दे रहे हैं, मैं सम्मान करूंगा, मैं सम्मान करूंगा, बोलने नहीं देना चाहेंगे तो ऐसी बात बोलनी पड़ेगी।
मैंने सम्मान किया, हर तरीके से सम्मान किया। मैं आम आदमी हूँ और मैं आम आदमी तरीके से बात कर रहा हूँ। राजनीति व्यक्ति बात में पहले तो हम इंसान है ना, बिल्कुल पहले तो हम इंसान है। आप गुस्सा मत दिखाइए, आप बात रखिए, मैं सुन रहा हूँ। गुस्सा नहीं दिखाया, जब आप सुनेंगे उसके बाद उसका जवाब दे पाएंगे, नहीं सुनेंगे तो आपको मौका दूंगा। बोलिए ठीक है, 6 साल बाद हुआ या जब भी हुआ, सनातन इसका बिल्कुल, सनातन महासभा इसका समर्थन करती है। एक आम आदमी हमेशा से रामचरितमानस का पाठ करता आया, परंतु इनको याद दिला दूं कि इनके मंत्री द्वारा जो कार्य अभी किया गया रामचरितमानस के लिए, तो अगर इस समय पे ये कार्य हो रहा है तो हम और ज्यादा समर्थन करते हैं, क्योंकि आम जनता को रामचरितमानस में क्या लिखा गया है उसका ज्ञान होना आवश्यक है, वरना इस तरीके के व्यक्ति अपने कुज्ञान की वजह से इस तरीके के वक्तव्य देकर के लोगों को भटकाने का प्रयास करेंगे, रामचरितमानस को गलत कहने का प्रयास करेंगे। जब रामचरितमानस जलाए गए, किसी सपा के व्यक्ति को दर्द नहीं हुआ, इस बात का भी आश्चर्य है। क्यों नहीं हुआ? हमारे नेता ने कहा उनका व्यक्तिगत बयान है, नहीं होना चाहिए, हमारे नहीं होना चाहिए। मैं भी कहता हूँ नहीं होना चाहिए, हर धर्म के हर चीज का था, उसी वक्त था, उसी वक्त था। नहीं, आप झूठ नहीं बोलेंगे टीवी पे, आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे। कैसे कहा आपने कि विरोध नहीं किया? कैसे नहीं कहा उन्होंने? उन्होंने कहा व्यक्तिगत बयान था, उन्होंने कहा व्यक्तिगत बयान है उनका, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। क्या मतलब उन्होंने कहा व्यक्तिगत बयान ऐसे कैसे आप क्यों नहीं विरोध करेंगे? क्यों नहीं विरोध करेंगे? आप कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? मैंने विरोध किया, मैंने विरोध किया, इसमें भी यहाँ हमारे बहुत ज्ञानी प्रवक्ता बैठे, आप ज्ञानी नहीं है? मैं भी ज्ञानी, सब ज्ञानी ज्ञानी बैठे, ज्ञानी बोलेंगे सब, बोले थोड़े बात ज्ञानी ज्ञान अर्जित किया है जी। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर हम और सब धर्म में यही कहते जाते, मेरी समझ है कि पहले घर में चिराग रोशन करो, फिर मस्जिद में जाओ, फिर मंदिर में जाओ। क्या बात है? अगर हमारे समाज के अंदर बच्चे स्कूलों में उनको दूध नहीं मिल रहा है, एक बाल्टी पानी में एक गिलास दूध मिला के उनको पिलाया जा रहा है, तो भगवान क्या कहेंगे कि पहले जाके उनका दूध पिलाओ फिर यहाँ आओ? इन बच्चों को नमक से रोटी मिल रही है, भगवान क्या कहेंगे? अल्लाह क्या कहेंगे? पहले उनको नमक से खाना खिला दो फिर यहाँ आओ? जिन बच्चों को विंटर में यूनिफॉर्म से प्रॉपर नहीं मिली, वो क्या कहेंगे? भगवान की बच्चे ठंड में ठिठुर रहे हैं, उनको कम से कम कपड़े पहना दो फिर यहाँ आओ? भगवान को ठंड लगती है और वहां इंतजाम मस्जिदों में एसी लग जाता है, लेकिन यहाँ पे बच्चों के लिए कौन ख्याल रखेगा? इस स्कूल की दीवारें टूटी हुई है, सरिया गिर जाने से बच्चा मर जाता है, क्या कहेगा भगवान की? पहले स्कूलों की मरम्मत कराओ, यहाँ बच्चे ढंग से बैठ नहीं पा रहे फिर यहाँ आना? भगवान क्या कहेगा? यहाँ सांप स्कूलों में निकल आता है, बच्चे कांटे से मर जाते हैं, भगवान क्या कहेगा? अच्छा, तो भगवान भी फोटो दिखा रहे थे आप, तकी भाई सिस्टी तकी भाई, मैं फोटो दिखा रहा था। हाँ। मैं फोटो दिखा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े बड़े बयान दे रहे थे, उनके बयानों की हकीकत मैं सामने रख रहा था कि कैसे बीजेपी के लोग भी जो है नंदी जो है वो भी बैठे हुए, तो बीजेपी में आज है बहुत बड़े मंत्री बन गए हैं, वो अतीक अहमद साहब के साथ बैठे हुए थे, उनका उनका मैं फोटो दिखा रहा था। देखिए आपके भी रिलेशन उनके साथ रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि आप बहुत दूध के धुले जैसा आप पेश करते हैं अपने आप को, बीजेपी अपने आप को वॉशिंग मशीन की तरह पेश करती है, जबकि ऐसा है नहीं। और कर्नाटक के जो एमएलए, उनके घर में करोड़ों रुपए का पैसा निकलता है, उनके को ईडी सीबीआई की जांच नहीं होती, उसके बारे में बात करने को तैयार नहीं है। और तालिबान जो हमारे ऊपर आतंकवादी हमला कर कंधार से हवाई जहाज ले गया था, उस तालिबान को हम गेहूं दे रहे हैं। अच्छा। उसने हमारे यहाँ क्या भेजा? उसने हमारे यहाँ ड्रग्स भेजी, हम उसे गेहूं दे रहे हैं। ये रिश्ता अच्छा। क्या कहलाता है? अच्छा। भाजपा का तालिबान से नहीं दे रहे, हम अफगानी जनमानस को दे रहे हैं। और अफगानी जहाँ यूपी इतने काम में डूबा हुआ है, मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए तालिबान को नहीं दे रहे, डूब गया है जो यूपी कर्ज में इतना डूबा है, जो यूपी समय से अपने टीचरों को समय से अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रहा है, जहाँ कोरोना के दौरान सरकारी कर्मचारियों के भत्ते जो काट लिए गए उनको दिए नहीं गए, उसके लिए सरकार का पैसा नहीं है, उस तरह का उसमें यहाँ सब करना, आपकी बात नहीं सुन रहे। ठीक है ठीक है ठीक है, विकास मिश्रा अपनी बात पूरी करिए, तकी भाई हो गया, ये बात सुनिए कि समाज को समझना है कि प्रायोरिटी क्या है। आप मुद्दे पे आइए, आप कभी सऊदी अरब चले जाते हैं, कभी तालिबान चले जाते हैं, मुद्दे पे आइए भाई,
बोलिए। मुद्दा यही है कि भाई इस वक्त देश की प्राथमिकता क्या है, क्या चाहिए हमें, जो बीजेपी जनता को सबको पता है रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, सबको पता है, जो राजनीति होती क्या है, कोई संघर्ष ही करने नहीं जाता रोटी कपड़ा मकान पर। गौरव जी भाई इतने बुरे दौर से देश गुजर रहा था कि साहब आपको नहीं मालूम कि कफन नहीं दे पाई, भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई अनाज बांटने का काम पिछले तीन वर्षों से कर रही है, आपको नहीं दिखाई पड़ रहा, आप टीवी पे बता रहे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है, चलिए गौरव जी आपको नहीं मिली है, ताकि भाई हो गया, ताकि भाई हो गया, गड्ढा मुक्त नहीं हो पा, हो गया, मैं आपकी बात आगे बात क्या आपकी बात आगे, भगवान भी नहीं मानेगा, बेकार मिश्रा भगवान भी पूछेगा, दिलीप भाई को लेना बोलिए, जल्दी बोलिए, अधूरा रह गया था, जल्दी बोलिए। हमारे सपा के नेता ने एक बात और बोली थी, मुलायम सिंह यादव जी ने जो गोलियां चलवाई थी उसके लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि संविधान के विरुद्ध कार्य होगा तो हम जरूर चलाएंगे, इनके संज्ञान के लिए हम बता दें यूपी में उस दौर में काफी दंगे भी हुए थे, तब संविधान का उल्लंघन कहीं नहीं नजर आया, कार्रवाई सुन लीजिए, कोई सख्त कार्रवाई, मैं यहीं रहता हूँ, पूरा ज्ञान गलत है, पूरा ज्ञान आपको बता दे रहा हूँ, और सुनिए उसके बाद, उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी ने एक समय ऐसा भी आया था कि स्पेस शोक भी जाहिर किया था इस कार्य पे, अच्छा। शायद आप पत्रकार भी हैं, आपको भैया मालूम भी होगा, उन्होंने इसके लिए शोक भी जाहिर किया था कि ये गलत कार्य हुआ था, तो उसके लिए अगर आप ऐसी कोई बात कहते हैं निश्चित तौर पर, दूसरा मैं भाजपा से पूछना चाहूंगा, भाजपा प्रवक्ता भी कह रहे थे बोले भैया भाजपा प्रवक्ता सुनिए मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत गलत किया था गोलियां चलवा करके, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा तो फिर सम्मानित क्यों किया गया उनको अगर आप इतना ही विरोध करते हैं, क्या बात, चलिए ठीक है, अरुण जी जल्दी दिलीप भाई की बात लेना, जल्दी बोलिए अरुण जी, सम्मानित किया गया परम विभूषण से जी, हाँ अगर आप विरोध करते हैं, देखिए जो सामाजिक सेवाएं हो उनकी थी जी, रक्षा मंत्री रहे चार बार, इस देश की सरकार रही उनकी, देश के मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे जी, तो हिंदू सनातनी हमेशा बड़ा दिल करके बात करते जी, हैं जी, हमारे सनातन धर्म के विकास भाई हैं, आपने देखा होगा कि जितना हमारे ऊपर जुल्म हुआ हम सदैव वसुदेव कुटुंबकम की बात करते रहे, अच्छा जुल्म सहते रहे, अच्छा, लेकिन वसुदेव कुटुंबकम जो है उनको प्रमोशन दिया आपने, और इस वजह से जो उनकी सामाजिक सेवाएं थी, जो उनकी राजनीतिक सेवाएं थी, तो उसको एक चीज को हम नजरअंदाज करते हुए अब वो तो मांग और ज्यादा कर रहे हैं, अच्छा वो तो उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि भाई कम सम्मान दिया गया, चले तो उससे भी संतुष्ट नहीं है, ठीक दिलीप भाई अपनी समीक्षा पूरी करिए, आप ही को समीक्षा करनी जी जी, सबका ज्ञान हमने ले लिया, आपकी समीक्षा करनी जी, नहीं नहीं मेरी समीक्षा सिर्फ इतनी है, धर्म का प्रचार होना चाहिए, धार्मिक बातें होनी चाहिए, धर्म की मान्यताओं को बढ़ावा, अरुण जी बड़ा नाराज हो गए थे आपसे, नहीं 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 मैं नाराज, अरुण जी बड़ा नाराज, अरुण जी को अरुण जी, अरुण जी को अधिकार है नाराज होने का, गौरव भाई मैं दिलीप भाई से नाराज नहीं हूं, लेकिन ना नाराज कभी मैं किसी से रहता हूं, लेकिन मैं अपनी बात को अभी, और वो बार बार कह रहे थे सर्टिफिकेट मैं कतई, दिलीप भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं मैं सर्टिफिकेट नहीं बांटता, ना भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट बांटती, चलो ठीक, मैं अभी भी अपनी बात को दोहरा के यही कि रामचरित मानस का पाठ सरकार नहीं भी कराती तो भी होते रहते हैं और खूब होते रहते हैं, और नवरात्र में विशेषकर होते हैं, 9-9 दिन तक होते हैं, हर घर में बैठता है, और सरकारी खर्चे पर ये काम नहीं होने चाहिए, पुरानी सरकारों ने भी गलत किया था और आप भी गलत कर रहे हैं, मैं फिर कहूंगा भारतीय जनता पार्टी भी गलत कर रही है, और रही बात ये जो हो रहा है ये विशेष मतलब आप अगर ध्यान देंगे तो धर्म के प्रचार को लेकर के नहीं हो रहा, ये एक्शन का रिएक्शन है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर के जो व्यंग जो सवाल उठाए, जो उन्होंने कुरूति फैलाने की कोशिश करी वो गलत था, 100% गलत था, उनका राजनीतिक उद्देश्य था, सिर्फ उसी बात को काउंटर करने के लिए योगी जी का ये एक्शन है, ये धर्म को लेकर के नहीं है, ये सिर्फ राजनीति को लेकर के है, और दूसरा एक चीज और जान लीजिए गौरव जी, एक चीज और जान लीजिए, रामचरितमानस का पाठ होने से किसी को रामचरितमानस समझ में नहीं आएगी, रामचरितमानस का पाठ 5000 सालों से हो रहा है, अगर सिर्फ रामचरितमानस का पाठ होने से लोगों को समझ में आता तो अब तक सबको सब ज्ञानी हो गए होते, लेकिन ऐसा नहीं होता है, रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए, वो उसका एक डिफरेंट उद्देश्य है, लेकिन फिलहाल ये जो सरकार का ऐलान है इस ऐलान में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस ऐलान में जो सरकारी फंड खर्चा हो रहा है मैं उस बात को फिलहाल मैं उस बात को अभी भी समर्थन नहीं कर रहा, ठीक है ठीक है, इकलाक भाई कुछ बोल रहे थे आप, बड़े नाराज थे विकास भाई, नाराज देखिए मैं सुनता हूँ चीजों को जी, और छोटा हूं तो सीखता भी हूं जी, बिल्कुल अपने बड़ों से ये उम्मीद नहीं रखता हूं कि गलत बयानबाजी, अच्छा
हमारे अरुण भैया कह रहे थे अभी कि भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट नहीं बांटती है, लाखों वीडियो दिखा दूंगा, लाखों फोटो दिखा दूंगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी हिंदू होने का और मुसलमान ना होने का सर्टिफिकेट बांटती है। हमारे विकास भाई कह रहे थे कि आप सुनिए, मैं सुनता हूँ मगर आप गलत बात मत बोलिए। अच्छा। आप सनातन धर्म से हैं, मैं सम्मान करता हूँ हर धर्म का और हर जाति के लोगों का, तो आप उस बात पे रखिए, हम आपका भी सम्मान करते हैं, इस प्रदेश का, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी सभी धर्म और सभी जात का सम्मान करती है जी। मगर सबको साथ लेके चलने का काम करिए, सबको साथ लेकर काम करिए जी। मैं स्वागत करूंगा और अरुण भाई के यहाँ, आइए ईद में हमारे घर जी, स्वागत है आपका, मैं सबको बुलाता हूँ, आइए हमारे घर, बिल्कुल देश ऐसे ही चलेगा, हिंदू मुस्लिम को जोड़ के चले जी, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही, कुछ यही बात कहना चाहूंगा जी कि किसी की आंख से सपना चुरा कर कुछ नहीं मिलता, वीरों से चिरागों को बुझाकर कुछ नहीं मिलता, अमन की सोखती रग में जरा सा खून शामिल कर मेरे हमदम फकत बातें बनाकर कुछ नहीं मिलता। राजनीतिक लोग जितने भी पार्टी बैठे हैं, मैं उनसे एक बार फिर कहूंगा जी, धार्मिक मुद्दों पे बात करना बंद कर दें, आप पहले सब भारतीय हैं, भारतीय तरीके से राजनीति करें, हम लोग आम जनता हैं, हम सौहार्द से जीना चाहते हैं, सौहार्द से जी रहे हैं जी। जैसा कि भी अखिलेश भाई ने कहा, इनके यहाँ मेरा स्वागत है, मेरे यहाँ इनका स्वागत है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप हमारे गले मिले होली में, आपके गले मिलते ही हैं जी, कोई उसमें नहीं है, लेकिन राजनीतिक तौर पे अगर इसका धर्म का आप लेके आएंगे तो इस तरीके नहीं, विरोध करता हूं मैं, निश्चित तौर पे भारतीयों के लिए आप कार्य करें, देश के लिए कार्य करें, किसी धर्म के लिए कार्य करें। तकी भाई आखिरी कमेंट आपका बोलिए। मैं कहना चाह रहा हूँ, देश इस वक्त बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी को उस पर काम करना चाहिए, और देश के अंदर इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, अभी मोदी अडानी का इतना बड़ा घोटाला हुआ, उसके बाद जांच काम हो रहा है ताकि पैसा रिकवर कर सके, ये घोटाले जो हो रहे हैं इसके बारे में कौन जवाब देगा, इसके बारे में जवाब देना है ना, फोटो आगे ठीक है, तो ये इस घोटाले की बात नहीं हो रही, बीजेपी ऐसा वातावरण बना रही है कि देश के अंदर जो घोटाले हो रहे हैं उसकी बात ना हो पाए, उसपे और हिडन बर्ड का ऐसा जवाब तैयार नहीं है, किसी दिन घोटाले पे डिबेट होगी तब लोगों का, गौरव भाई आपको बुलाएंगे जब घोटाले पे डिबेट हो, कैसे एक ट्रिलियन डॉलर का जमीन लेके पैसा डूबा जा रहा है, लोग पैसा लेके भारत से भागे जा रहे हैं बाहर, कैसे यूपी 1 ट्रिलियन और भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ठीक है, आप सभी मेंबर्स कार्यक्रम में जुड़ने बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण थी कि योगी सरकार का जो आदेश आया उस पर लगातार सरगर्मियां बनी हुई हैं। आदेश नवरात्र में रामायण पाठ और दुर्गा सप्तशती के पाठ को लेकर आया है। हमारे यहाँ नवरात्र में तो पहले ही पाठ होते आए हो, हमारा जो देश है वो सामाजिक व्यवस्थाओं का देश है, विभिन्नताओं का देश है, विभिन्न भाषाओं का देश है, विभिन्न संस्कृति का देश है और विभिन्न त्योहारों का देश है। यहाँ राज्य के अलग त्यौहार है और बड़े ही सौहार्द के साथ मनाए जाते हैं। यहाँ पर सभी वर्ग सभी धर्म के लोग हर राज्य में रहते हैं और उनके बीच में एक ही तहजीब होती है, वो होती है गंगा जमुनी तहजीब। सामाजिक सौहार्द के साथ, मेहनत के साथ, उसी आपसी लगाव के साथ हम लोग त्यौहार मनाते हैं, पर त्यौहार के बीच में राजनीति करना, धार्मिक मुद्दे उठाना और धर्म पर राजनीति करना, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए फिलहाल नुकसानकारक हो रहा है, क्योंकि धर्म आस्था श्रद्धा भक्ति के लिए बना है, ना कि राजनीति के लिए। तभी तो बशीरपद का एक जो एक लाइन है वो बड़ी याद आती है कि 60 संदूकों में बंद करके रख दो नफरतें, 60 संदूकों में बंद कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। तो कहीं ना कहीं ये बात भी ज़रूरी है, मोहब्बत के साथ रहिए और सारे त्यौहार मनाइए, क्योंकि हमारा देश ऐसी व्यवस्थाओं से चलता रहा है और चलता आया है। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।